लगातार लाहौल कन्नर पेशल ट्रॉफी दो बार जीता, जो कि एक ओवर में 6 बॉल में मुल्तान सुल्तान को 13 रन चाहिए था। जवान ने डिफेंड किया 1 रन से लाहौल कन्नर में जीत के ट्रॉफी भी जीत। 2022 में भी लाहौल कन्नर ने ट्रॉफी जीता, 2023 में भी वही रिपीट करके शाहीन अफरीदी के कैप्टनशिप में लगातार दूसरी बार पेशल ट्रॉफी जीता और मुल्तान सुल्तान को 1 रन से पेशल से हार के और ट्रॉफी जीतने का सपना चकनाचूर हो गया। आप लोग भी जानना चाहते हो गाइस, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले शाहीन शाह अफरीदी ने टॉस जीतकर बैटिंग करने के लिए फैसला किया, जो कि बैटिंग करने का फैसला काफी हद तक सही था। जब एक 30 रन बनाए, फखर जवान ने 39 रन बनाए, अब्दुल सफीक ने 40 गेंद पे 65 रन बनाए और जबरदस्त पारी खेले, कैप्टन पारी खेले, शानदार पारी खेले। शाहीन शाह अफरीदी के बदौलत लाहौल कन्नर ने 200 रन 6 विकेट के नुकसान बनाए थे, जो शाहीन शाह अफरीदी ने 15 गेंद पे 5 लंबे लंबे छक्के के बदौलत 44 रन बनाए। उसी के बदौलत लाहौल कन्नर ने लास्ट में 6 विकेट के नुकसान पे 200 रन बनाए 30 ओवर खेल के। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले मुल्तान सुल्तान के तरफ से 3 ओवर फेंक के 24 रन देखे, वसामी ने 3 विकेट लिए, जबरदस्त बॉलिंग के टारगेट मिला मुल्तान सुल्तान को 201 रन का। जब मुल्तान सुल्तान बैटिंग करने तो मुल्तान सुल्तान शुरुआत काफी अच्छा था, पर उमर खान 18 रन बना के आउट हो गए। ताहिर रसूल 52 रन बना के आउट हो गए 32 गेंद पे 2 लंबे लंबे छक्के। मोहम्मद रिजवान 23 गेंद पे 34 रन बना के आउट हो गए। कैलान पोलार्ड 19 रन बना के आउट हो गए। टिम डेविड 20 रन बना के आउट हो गए। 20 ओवर खेल के 8 विकेट के नुकसान पे 199 बनाए, जो 1 रन से मुल्तान सुल्तान को हार मिला, 1 रन से लाहौल कन्नर को जीत मिला और लाहौल कन्नर लगातार दूसरी बार ट्रॉफी अपने नाम किया। जबरदस्त कैप्टनसी हुआ शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से। शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग भी किया शानदार, मोहम्मद रिजवान भी जबरदस्त बैटिंग भी किए, बैटिंग भी किए, कैप्टनसी भी किए, जो ट्रॉफी इस बार भी नहीं जीत पाए, 2023 में नहीं जीत पाए, जो मुल्तान सुल्तान का डिजर्व करता। मुल्तान सुल्तान शानदार बॉलिंग, शानदार बैटिंग, शानदार फील्डिंग के बदौलत फाइनल पहुंचा हुआ था। लगातार दूसरी बार पहुंचने के बाद भी अब ट्रॉफी नहीं जीत पाया, जो कि सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले लाहौल कन्नर की तरफ से शाहीन शाह अफरीदी 4 ओवर फेंक के 51 रन दे के 4 विकेट लिए। उसके बाद राशिद खान 4 ओवर फेंक के 26 रन दे के 2 विकेट लिए। बहुत बहुत मुबारक हो लाहौल कन्नर को, लाहौल कन्नर लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीता, अपने नाम किया। बहुत बहुत मुबारक हो मुल्तान सुल्तान को, मुल्तान सुल्तान जबरदस्त मैच किया, शानदार मैच खेलने के बाद भी फाइनल पहुंचा, लगातार दूसरी बार फाइनल पहुंचा, एक बार जीता दूसरी बार लगातार फाइनल में पहुंचने के बाद हार मिला। जबरदस्त कैप्टनशिप भी हुआ दोनों टीम की तरफ से। गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।